मेरे छोटे भाई। भाई साहब भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। हमारे बीच में उपस्थित है जोरदार तालियों से सभी लोग। प्रदेश के महामंत्री मेरे छोटे भाई, ये हमारा फायदा है कि हम आदमी के सुख में, आदमी के दुख में, आदमी की परेशानी में, आदमी के संकट में हमेशा उसके साथ खड़े रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उसी का फायदा, उसी का फल हमको चुनाव में मिलता है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के पशुपालन मंत्री, मत्स्य मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। सर, सबसे पहले तो काशीपुर सहित पूरे कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं, बरसात से आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ है, किस तरीके का भ्रमण रहा? नहीं देखिए, मैं अभी सितारगंज था अपनी विधानसभा में, फिर मैं वहाँ से बागेश्वर गया था, वहाँ पे आपदा की बैठक ली थी, और आज काशीपुर में है। लगातार हमारे मंत्रीगण जो है वो आपदा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके पहले गणेश जोशी जी यहाँ पर आए थे, माननीय अजय भट्ट जी यहाँ पर थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है कि इस वक्त बारिश का सीज़न है, अब अगस्त तक बारिश होती है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपदा आने के चांसेस हैं या आपदा आई हुई हैं वहाँ पर जाके उस किस तरीके से उसको संभालना है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, सारे मंत्रीगण और हमारे MP उसी में इस वक्त व्यस्त हैं। आज काशीपुर में आया हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूँ। चुनाव का सीज़न है, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी है, पार्टी के कार्यक्रम हैं, उसकी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन करने आए हैं कि लगातार ये जोश जो है बरकरार रखना है और पब्लिक तक जाके जनता सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना है। आपके प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप लगातार पशुओं से जुड़ी जो मार्मिक कहानियाँ होती हैं उनका आप अति ध्यान रखते हैं, और लगभग 32 कहानी अब तक आप हर मंडल से, हर जिले से आप ले चुके हैं, तो वो प्रयास कैसा रहता है पूरा का पूरा जब जाते हैं? देखिए, बीच में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी कि पशु क्रूरता के बहुत सारे मैटर सामने आ रहे थे, चाहे वो केदारनाथ जी से आ रहे हों, चाहे वो हेमकुंड साहिब जी से आ रहे हों, चाहे वो रोडों पे जानवरों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था। तो एक सोच थी हमारी कि कम से कम लोगों को, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग निराश्रित पशुओं को आश्रय दे रहे हैं, जो उनको अपने घर का सदस्य बना रहे हैं, अगर उन लोगों की कहानियाँ फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आएगी तो हो सकता है पशु क्रूरता लोगों को प्रेरणा मिले इनकी कहानियों से, और पशु क्रूरता थोड़ी कम हो और ये लोग निराश्रित पशुओं को अपनाना शुरू करें। तो उस सोच के साथ इस सेल्फी विद पेट्स को हमने चलाया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है, क्योंकि आज मुझे कम से कम रोज़ के 15-20 पिक्चर्स लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि कोई निराश्रित पशु को जाके पानी पिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव आया है, और यही इस पूरे प्रोग्राम की सोच थी जी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो दुग्ध विकास हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, उस पर आपका विकास विशेष फोकस रहता है कि जो जैविक आर्थिक जीविका है वो यहाँ से बहुत मजबूत होगी। देखिए, मेरा मानना यही है कि ये जो तीनों विभाग हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और आपका दुग्ध विकास, ये उत्तराखंड की रीढ़ है, ग्रामीण की, स्पेशली ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था की। और अगर स्पेशली आप पहाड़ों में चले जाइए, तराई में तो फिर भी लोगों के पास अपना व्यापार है, व्यवसाय है, लेकिन पहाड़ों में अगर आप जाते हैं, जो उत्तराखंड के 10 जिले पहाड़ के हैं उसमें अगर आप जाते हैं, तो वहाँ के लोगों का आत्मनिर्भरता ज़्यादातर इन तीन विभागों पर है। और मेरी कोशिश यही है कि जो उत्तराखंड के दो सबसे बड़े हमारे समस्याएं हैं, पलायन और रोज़गार, इसको हम एड्रेस कर पाएँ। और हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं पिछले एक साल में, जिससे कि पशुपालन से लोग जुड़े हैं, मत्स्य पालन हमारा बहुत अच्छा इस वक्त चल रहा है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इस वक्त मत्स्य पालन है, 8% का योगदान दे रहा है इंडिया की GDP पे। तो कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारा कोल्ड रनिंग वाटर उत्तराखंड में अवेलेबल है, जो ठंडा पानी बह रहा है पहाड़ों में, अगर हम उसको फ़ायदा उठा पाए तो ट्राउट फार्मिंग हमारी बहुत अच्छी हो सकती है, पंगास की हमारी बहुत अच्छी हो सकती है, महाशीर की हो सकती है, और हम उसी पे फोकस करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मेन प्रयास है कि युवाओं को किस तरीके से फोकस किया जाए। देखिए, स्किल डेवलपमेंट में सिंपल लॉजिक है कि हमको सिर्फ स्किल देना नहीं है, हमको स्किल को नौकरी में कन्वर्ट कराना चाहिए। जब मैंने समीक्षाएं ली थी, जब मैंने मंत्री के रूप में ज्वाइन किया था, तो हमने देखा था कि हम स्किल तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को रोज़गार नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। तो मैंने इस बार जो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं इस एक साल में, वो स्किल प्लस एम्प्लॉयमेंट पे बनी है। मैं उत्तराखंड सरकार ने, हमने होटल मैनेजमेंट, जितने भी होटल की इंडस्ट्री है उत्तराखंड की, उनके साथ हमने MOU किया कि आप जितने भी आपको लड़कों को ज़रूरत है, चाहे वो होटल के ट्रेड की हो, चाहे वो ITI प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, हमने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है और उसी लिस्ट से वो हायर करेंगे जी। दूसरा, मैंने 15 तारीख को बहुत एक अच्छा अशोक लेलैंड कंपनी है, पंत नगर की, बहुत बड़ा उनका प्लांट है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, आफ्टर टाटाज जी। उनके साथ हमने एक MOU साइन कर लिया है कि वो अगले 3 साल तक हर साल 1000 बच्चा उत्तराखंड का ITI से वो उठाएंगे
और उनको इंटर्नशिप देंगे और उनको नौकरी देंगे। तो 3,000 बच्चों के लिए हमने ये कदम उठाया कि 3 साल तक उनको 1,000 बच्चा अशोक लेलैंड रखेगा। तो एक कोशिश है हमारी कि जो भी हम स्किल दें बच्चों को वो सबसे पहले उत्तराखंड के डिमांड के होते हुए स्किल देनी चाहिए, जो उत्तराखंड की डिमांड है उसी पे स्किल ट्रेनिंग हो और वो स्किल ट्रेनिंग जॉब्स में कन्वर्ट करें, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, 1 साल पूरा हो चुका है, कोई ऐसा कार्य जो करना है और अभी रह गया है? नहीं, कार्य तो बहुत हैं जो करने हैं। देखिए ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए मैं अपने विभागों की अगर बात करूं, सरकार में तो देखिए हमारा मेन मुद्दा इस वक्त दो ही है कि जो हमारे पलायन और हमारा रोज़गार, ये उत्तराखंड की और एक जो हमारी मातृशक्ति है उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये 3 फोकस एरियाज़ हैं हमारे। और लगातार हमारे सारे विभाग जो हैं, चाहे वो मेरे विभाग हों, चाहे वो किसी और मंत्री के हों, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस एरिया हो, वो इन 3 फील्ड्स पर ही है। और एक सबसे बड़ा काम जो अभी हम करना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि आंचल जो हमारा ब्रांड है उसको जन जन तक पहुंचा के, उसको अमूल और वर्का और आनंदा जो है, जिन्होंने जो हमारा मार्केट शेयर जिन्होंने ख़त्म किया है, इनके बराबर लाके खड़ा करना मेरा लक्ष्य है। तो आप थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा से लेकर चाहे पशुपालन विभाग हो या मत्स्य पालन हो, हर जगह विकास को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।